हेलो फ्रेंड, यूडुलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोला टू इलेक्ट्रिक प्रेसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ, दो गो इलेक्ट्रिक प्रेसेस है जो कनेक्टेड है पैरेलल में। देखिए, पैरेलल में कनेक्ट है, कितना कितना है, एक है 100 ओम, एक है 200 ओम। हाँ, अब देखिए क्या बोला है, द टोटल करंट टेकन बाय बोथ प्रेसेस 4 एम्पियर। टोटल करंट कितना जा रहा है, 4 एम्पियर जा रहा है। अब पूछा है द रेशियो ऑफ करंट टेकन बाय द फर्स्ट रेशियो सेकेंड। देखिए, फर्स्ट रेशियो सेकेंड यही पूछा है ना, तो यही हम लोग को निकालना है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, तब ना ये I1 आ जाएगा और ये I2 आ जाएगा। तो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा 100 इंटू 400 डिवाइड बाई 400 होगा। एक मिनट देख लेने दीजिए, सॉरी, ये देखिए, ये 300 है ना, 300। अब देखिए, 400 हुआ, एक कट गया तो कितना हो गया, अरे यार, देखिए हम लोग I1 निकालते हैं। तो I1 देखिए क्या होगा, 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 400। हाँ, अब देखिए, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना बचा, 1 एम्पियर। तो ये कितना आया, 1 एम्पियर आया। अब देखिए, I2 हम लोग निकालते हैं, I2 क्या होगा, 4 इंटू 300 डिवाइड बाई 400। ये जीरो कट गया, एक कट गया, तो कितना बचा, 3 एम्पियर। तो देखिए, ये कितना आया, ये 3 एम्पियर आया। हाँ, अब देखिए, फर्स्ट सेकेंड हम लोग को देखिए, यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट 100 ओम वाला, यानी ये फर्स्ट है, तो ये होगा 3 और सेकेंड है 300 वाला, तो इसका कितना आया, 1, यानी 3:1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही होगा। हाँ, तो देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोला है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोलते हैं, आप ऑप्शन डी में डायरेक्ट चलाइए। हाँ, डी फॉर डेली, द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय ए वोल्टेज सोर्स। हाँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, ए 200 वाट 230 वोल्ट लैंप आर कनेक्टेड इन 150 वोल्ट सप्लाई से। हाँ, कितना, 200 वाट और 230 वोल्ट कनेक्ट है 150 वोल्ट सप्लाई से, तो व्हाट इज द पावर ड्रोन बाय द लैंप। हाँ, इसका रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, रेजिस्टेंस कितना होगा, 230 इंटू 230 डिवाइड बाई कितना हो गया, 200, 0 कट गया, तो देखिए रेजिस्टेंस कितना हो गया, 23 इंटू 23 डिवाइड बाई 2। ये क्या आया, ये रेजिस्टेंस आया ओम में। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आई क्या होता है, V बाई R, 150 डिवाइड बाई 23 इंटू 2, ये कट गया, 5 हो गया, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 23 एम्पियर। देखिए, ये 23 एम्पियर आ गया। अब हम लोग को क्या पावर निकालना है, पावर बराबर क्या होता है, V इंटू I, तो I कितना है, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 23 इंटू I कितना, I दिया और भी कितना है, 115, ये कट गया, कितना 5 बार में, तो कितना हो गया, 15 वाट आ गया, तो एग्जेक्ट आया 15 वाट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें देखिए एग्जेक्टली भी दिया हुआ है, स्लाइटली लेस देन, तो एग्जेक्टली कभी नहीं आएगा। हाँ, हमेशा आएगा तो स्लाइटली लेस देन आएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समझे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन 4 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए डिपोलराइजर इन ए ड्राई सेल। तो क्या होता है डिपोलराइजर ऑफ ड्राई सेल, बी होता है, बी क्या है, मैग्नीज ऑफ डाइऑक्साइड, तो मैग्नीज MnO2, ये होता है डिपोलराइजर। हाँ, तो याद रखिएगा। तो देखिए, अभी हम सेल का सारा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, बीच बीच में सारा बहुत कोई क्वेश्चन है जो छोड़ दे रहे हैं, सेल का एक साथ करवाएंगे और कैपेसिटर का भी क्वेश्चन एक भी नहीं करवाएंगे, उसका
कैपेसिटर का एक अलग से पूरा क्वेश्चन करवाएंगे और सेल का अलग से करवाएंगे। हाँ अभी हम लोग नेटवर्क देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितना आ रहा है क्वेश्चन उसी को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो आइए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या बोला है, 4 1.5 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ देखिए चार जो है 1.5 वोल्ट क्या है पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, देख रहे हैं पैरेलल में है। अब क्या बोला है, इसको बोला है कि द आउटपुट वोल्टेज, यहां से आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा भी बताइए। तो पैरेलल में क्या बताया था आपको, पैरेलल में बोले थे बैटरी सेम होता है, इक्वल होता है, तो भी बराबर कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट। हाँ ऑप्शन ए सही होगा ए। अब क्वेश्चन 6 को देखिए, क्वेश्चन 6 देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट ऑफ ए सर्किट। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, सी आइडियल करेंट सोर्स। हाँ और बाकी जो रिमेनिंग है वो सब क्या है, वो सब पैसिव एलिमेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ तो इसके बाद अब क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं होगा, देखिए पिछले बार अभी तक एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ और जबकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है लेकिन हम रिपीट नहीं किए, ये पता नहीं कैसे आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू, सेल को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज द करंट रेटिंग। सीरीज में कभी भी करंट रेटिंग बढ़ता नहीं है। हाँ सीरीज में क्या बढ़ता है, वोल्टेज रेटिंग। तो आपका ऑप्शन बी होगा, इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। जैसे देखिए ये हम लोग कंटिन्यू लगा दे रहे हैं, यहां 6 वोल्ट है, अगर यहां से करंट आ रहा है 5 एम्पियर तो इधर भी 5 ही जाएगा, सब जगह 5 एम्पियर जाएगा। हाँ लेकिन अगर ये वोल्टेज क्या है सीरीज में है तो ये सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 वोल्ट। देखिए ये ऐड हो जा रहा लेकिन करंट क्या है सब जगह सेम है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। हाँ क्वेश्चन 8 देखते हैं, क्वेश्चन 8 में क्या बोला, द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ। देखते हैं नया मोबाइल खरीदते हैं तो पहले क्या देखते हैं, स्पेसिफिकेशन बैटरी का कि 5000 mAh का है, 6000 mAh का है, तो बैटरी को किससे अति करते हैं एक्सप्रेस करते हैं, एच रेटिंग। हाँ एच रेटिंग से, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है। हाँ क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, यहां ध्यान से देखिए यहां लिख दिया साफ साफ नोट, नोट ए नॉन लीनियर सर्किट, मतलब नॉन लीनियर सर्किट नहीं है तो कौन सा सर्किट होना चाहिए, लीनियर यानी कौन सा लीनियर है वो बताना है। तो डायोड तो नॉन लीनियर है, ट्रांजिस्टर भी नॉन लीनियर है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हीटर क्वाइल, हीटर क्वाइल। हाँ तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या बोला है, फॉर द सेम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच वेव फॉर्म विल हैव द लीस्ट आरएमएस वैल्यू। हाँ तो सबसे लीस्ट आरएमएस वैल्यू किसका होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्वायर वेव। हाँ उसी का लीस्ट होता है और इसका देखिए आपका आरएमएस वैल्यू भी 1 आएगा और ये पीक वैल्यू भी 1 आता है, दोनों साथ सेम 1 आता है। हाँ तो आप ध्यान दीजिएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11 देखते हैं। हाँ क्वेश्चन 11 क्या बोला है, 2 इनकैंडेसेंट लैंप बल्ब ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट रेटिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान दीजिएगा सीरीज बोला है, अक्रॉस द मेन पावर सप्लाई देन ऑप्शन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है आपको शॉर्टकट याद रहा है नहीं ना, सीरीज में देखिए क्या होता है, जिसका पावर कम होता है वो ज्यादा ग्लो करता है। हाँ अब पैरेलल में जिसका पावर ज्यादा होता है वो ज्यादा ग्लो करता है, इसको हम लॉन्ग टर्म में बता देते हैं, शॉर्टकट में तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपको याद नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा सीरीज में जिसका पावर कम रहता है, पावर कम रहता है
वो ग्लो ज्यादा करता है। अब पैरेलल में क्या है, पैरेलल में उल्टा है, जिसका पावर ज्यादा रहता है वही ग्लो ज्यादा करता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए हम लोग लॉन्ग टर्म में पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे दो दो बल्ब है, हाँ दो बल्ब मान लीजिए, ये कितना है 40 वाट का है और ये कितना है, ये 60 वाट का है। हाँ अब देखिए इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं R1 और इसका R2। हाँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा, V² / R1 और ये क्या होगा, V² / R2। देखिए वोल्टेज दोनों का सेम लिए, हाँ दोनों सेम रेटिंग का बल्ब है याद रखिएगा। तो देखिए ये इसका वोल्टेज सेम है इसका भी। अब जो भी बल्ब बनता है तो कैसे बनता है, 230 वाट पे, तो मान लो 230 वोल्ट पे, तो उसी तरह यहाँ 230 वोल्ट है, तो दोनों का सेम है। तो अब ये ध्यान दीजिए, ये कम है तो ये क्या है, ज्यादा है रेजिस्टेंस, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। यहां देखिए ध्यान दीजिए, ये इसके कंपेरिजन में ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस कम है। तो देखिए R1 > R2 है, हाँ अब देखिए रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, इसका P1 हो जाएगा I² R1 और इसका P2 हो जाएगा I² R2। अब ये मत सोचिएगा कि ई पावर सेम होगा, क्यों होगा भाई बताइए। तो यहां हम अगर वोल्टेज कम दे दिए, जैसे रेटिंग तो पता है हमको वोल्टेज की 230 वोल्ट का रेटिंग से हम लोग को बना के दिया है, लेकिन जरूरी थी ना 220 वोल्ट अगर रहा तो इतना आप सप्लाई हो रहा है, तो यहां तो कम हो जाएगा ना। तो यहां देखिए I² निकलेगा, तो आप देखिए I² दोनों का सेम होगा, तो देखिए रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, रेजिस्टेंस पहले वाला का ज्यादा है, तो पावर किसका, पावर इसका ज्यादा होगा P2 का, जिसका पावर ज्यादा है वही ज्यादा ग्लो करेगा, यानी पहला वाला जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो कौन सा था, 40 वाट वाला है ना, तो 40 वाट वाला ग्लो ज्यादा करेगा, इसीलिए आपका ऑप्शन D4 दिल्ली होगा। हाँ आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया ना, आप ध्यान दीजिए ये हम लोग का जो रेटिंग से खरीद के लाते हैं वो है। हाँ आप देखिए इसके कंपेरिजन में ये कम है, ये कम है तो कब कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तब ना, क्योंकि ये दोनों का सेम रहता है। हाँ तो ये कम है यानी ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस यहां ज्यादा है, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो समझिए ज्यादा ग्लो करेगा, तो ऑब्वियसली तो ये ज्यादा है तो इसीलिए 40 वाट वाला क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। हाँ आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सोल्व करने का कोशिश कीजिए। तो कितना था ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन 12 देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन 12 देखिए बोला है 12 1 ohm resistor आर यूज टू एज ऑफ ए क्यूब। देखिए क्यूब वाला क्वेश्चन आया, क्यूब वाला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, एक DFCCIL का प्रीवियस ईयर बनाए थे, उसमें क्या किए थे कि आपको रेजिस्टेंस का जो पार्ट वन होगा ना आप जाकर देखिएगा अगर मिल जाए तो, उसमें हम बताए थे कि कैसे कैसे आता है, अगर नहीं देखिएगा तो इसी में देख लीजिए। और क्या देखिए ये सारा क्या है, यहाँ जो यहाँ 1 ohm लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ 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 यहाँ, देखिए सब जगह 1 ohm लगा हुआ है। हाँ अब हम लोगों को क्या पूछा है, पूछा है द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली एज पूछा है। हाँ तो टू डायगोनली एज कैसे होगा, एक यहाँ का और एक यहाँ का, दोनों का डायगोनली हो रहा है, तो देखिए यहाँ डायगोनली हो रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ से डायगोनल हो रहा है, इसका हम लोग को R इक्विवेलेंट बताना है। हाँ तो देखिए ये सबको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वहाँ टाइम नहीं रहता है कि आप ध्यान से सोल्व कीजिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमेशा 5/6R। अब R देखिए हम लोग को कितना दिया है, R बराबर हम लोग को 1 ohm दिया हुआ सब जगह। हाँ तो कितना हो जाएगा, 5/6 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5/6 ohm। हाँ तो देखिए आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5/6 ohm ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ अभी देखिए बता देते हैं, ऐसा तीन तरह का होता है, ये तो पहला तरह का हुआ था, अब देखिए दूसरा तरह का बताते हैं, इसको लिख लीजिएगा हम मिटा दे रहे हैं। हाँ ये तीन याद रखिएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए एक यहां और एक यहां होता है। हाँ इसका R इक्विवेलेंट निकालना रहता है,
इसका आर इक्विवेलेंट। तो जब ऐसे पूछेगा ना तो आप याद रखिएगा कितना हो जाएगा 7/12 R, हाँ 7/12 R, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, तो इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, देखिए मिटा रहा हूं। अब देखिए अब यहां हो गया, अब अगर पूछ दिया यहां से यहां का बीच में, हाँ तब देखिए क्या होगा, तब आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तब आपका हो जाएगा 3/4 R, हाँ 3/4 R। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हमको चलिए समझ गए सारा, अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब हाँ आप बोल रहे होंगे कि आप यहीं से क्यों निकाल रहे हैं, देखिए यहां से आप ट्राई कीजिए, हाँ जैसे देखिए यहां से ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट ट्राई कीजिएगा निकालना, ट्राई कीजिएगा ना। तो देखिए जो ये पॉइंट था वही ये पॉइंट है, तो इसका कितना आ जाएगा बताइए, 7/12 R आ जाएगा। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट ट्राई किए थे हम, चाहते तो ये पॉइंट से कौन सा, ये पॉइंट से ये पॉइंट ट्राई किए यानी यहां से यहां, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट ट्राई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा, यहां से यहां का बीच का कितना आ जाएगा 3/4 R, हाँ। तो उसी तरह सबका निकाल सकते हैं, इधर का निकाल सकते हैं, यहां का ले सकते हैं, यहां का सबका 7/12 R आ जाएगा। अगर डायगोनली रहेगा ये कोना से ही कोना या ये कोना से ही कोना, तो उसका भी कितना आएगा, उसका आ जाएगा 5/6 R, हाँ। तो देखिए यही तीन से सारा बन जाएगा, हाँ। तो आइए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, हाँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या बोला, द नोडल मेथड ऑफ ए सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, हाँ तो याद रखिएगा नोडल मेथड किस पर बेस्ड होता है, केसीएल, केसीएल एंड ओम्स लॉ, हाँ याद रखिएगा। अब देखिए सुपर नोड का कभी भी एग्जाम में आएगा, सुपर नोड का तो कौन कौन सा होगा, केसीएल, केवीएल एंड ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, हाँ। अब देखिए अगर आ जाएगा मेस मेथड का, मेस एनालिसिस का, तो मेस एनालिसिस का क्या हो जाएगा, केवीएल एंड ओम्स लॉ, हाँ। अगर हम लोग को आ गया सुपर मेस, सुपर मेस का आ गया तो क्या हो जाएगा, केवीएल, केसीएल एंड ओम्स लॉ। देखिए यही चार को आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता ही आता है, हाँ। तो हम लोग जो क्वेश्चन दिया था क्या दिया था, नोडल मेथड, तो इसका क्या हो जाएगा, केसीएल एंड ओम्स लॉ, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही होगा, हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन 14 क्या बोला है, ए ह्यूमन नर्व सेल, इसको पहले लिखिए बड़ा क्वेश्चन है 14, हाँ ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला, ए ह्यूमन नर्व सेल है जो पिन सर्किट वोल्टेज यानी वीटीएच बोला, वीटीएच कितना 80 मिली वोल्ट, तो यह देखिए यहां वीटीएच बनाएंगे, ये कितना हो जाता है, ये सोर्स होता है, आरआई होता है या आरएस मान लीजिए, और ये लोड है, लोड, हाँ। अब देखिए कितना दिया है 80 मिली वोल्ट, हाँ। अब क्या बोला है, इट कैन डिलीवर ए करेंट ऑफ 5 नैनो एम्पियर, कितना 5 नैनो एम्पियर, हाँ थ्रू लोड, कौन सा लोड है, 6 मेगा ओम का लोड है, हाँ। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, पीमैक्स पूछा है, पीमैक्स आपको बताना है, हाँ। तो देखिए ये आसानी से नहीं निकलने वाला है, क्या करना होगा, पहले आर सोर्स निकालना होगा। अब ये मत कर दीजिएगा कि यहां लोड है और सोर्स तो मैक्सिमम पावर में इक्वल होता है, तो यहां 6 मेगा है तो यहां भी 6 मेगा होगा, कभी नहीं। आप याद रखिएगा कि सोर्स के इक्वल ही होता है ना कि लोड के इक्वल होता है, हाँ। तो पहले इसको हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि कौन होगा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आरएस निकालेंगे, देखिए इसको सोल्व करते हैं क्या हो जाएगा, 80 × 10⁻³ बराबर, यहां क्या हो जाएगा, आरएस इंटू 5 × 10⁻⁹ प्लस कितना हो जाएगा, 6 × 10⁶ इंटू यहां कितना 5 हो जाएगा ना, हम लोग यही गलती लिख रहे, 5 × 10⁻⁹, हाँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, पहले सॉल्व कर लीजिए, आर एस इंटू 5 × 10⁻⁹ प्लस क्या हो जाएगा,
30 × 10⁻³, ये क्या है 80 × 10⁻³, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा Rs × 5 × 10⁻⁹ इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लाइएगा तो 50 × 10⁻³ होगा। अब क्या है इसको नीचे ले जाएंगे, हाँ तो Rs बराबर क्या हो जाएगा 50 × 10⁻³ डिवाइड बाई 5 × 10⁹, ऊपर आ गया। अब ये कट गया, यहां 10 बचा तो कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 10 मेगा ओम। देखिए कैसे आया, समझ गया 10 मेगा ओम। तो देखिए ये मेरा कहा गया 10 मेगा ओम, तो जो ये रहेगा वही ये रहेगा। तो ऐसे हम लोग पीमैक्स निकालते हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब देखिए यहां पीमैक्स हम निकालते हैं तो पीमैक्स बराबर क्या हो जाता है वी स्क्वायर 4 RTH, हाँ RL। तो देखिए यहां 4 मैक्सिमम के लिए क्या होगा RS बराबर RL बराबर क्या हो जाएगा RL बराबर RS हो जाएगा। तो जो RL कौन सा हो जाएगा, जो RS आया सोर्स आया, तो वी स्क्वायर कितना है 80 × 10⁻³ डिवाइड बाई 4 × R कितना है 10 × 10⁶ है, 6 है ना। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा 160 हुआ, 160 और 33 कितना हो गया, यहां 33 यानी 10⁻⁶ × 10⁻⁶। हाँ देखिए कोई ऑप्शन में है पीको 60 पीको नहीं होगा तो कौन सा लेंगे, 12 हो गया ना तो हो गया 0.169 वाट। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, हाँ कौन सा ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए कैसे कैसे बना, समझ में आ गया होगा, मेन ये था सोर्स निकालना था, सोर्स निकाल लिए। तो देखिए लोड का जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर रहता है तो लोड सोर्स के बराबर होता है, हाँ तब फिर हम लोग अप्लाई करेंगे, समझे। तो देखिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 भी देखिए रिपीट है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम। देखिए पहला ही पार्ट में हम बताए थे कि किस तरह डिटेल निकालते हैं, तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 0.5। 50% निकला था याद है, तो 50% निकला था कितना हो जाएगा 0.5। क्वेश्चन 16 देखते हैं, क्वेश्चन 16 क्या बोला है, ए करेंट इज सेड टू बी डीसी, डीसी किसको बोलते हैं, ऑप्शन ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ टाइम, हाँ। क्वेश्चन 17 देखिए, क्वेश्चन 17 में क्या, 17 में क्या बोला है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में, जब भी अगर कंडक्टर रहा तब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी अगर सेमी कंडक्टर पूछ लिया तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर अगर पूछा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों होता है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन 18 क्या बोला है, करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, वी बराबर आई आर, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, हाँ। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग 19 देखते हैं, क्वेश्चन 19, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल टिपिकली और इन द ऑर्डर ऑफ, तो कौन सा ऑर्डर में रहता है, ऑप्शन ए 10⁷। जैसे देखिए हम लोग मान लेते हैं एल्यूमिनियम कॉपर गोल्ड ये सब का चेक करते हैं, हाँ इसका होता है 3.5 × 10⁷, इसका होता है 5.9 समथिंग होता है 10⁷, इसका होता है 4.1 × 10⁷। तो देखिए सबका क्या मल्टीपल आ रहा है, 10⁷ का मल्टीपल आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए 10⁷, हाँ। उसी तरह क्वेश्चन 20 देखते हैं हम लोग,
तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, देखिए आज तीन क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके बाद अब एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, इसके लिए सॉरी। तो देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड ऑन द, कौन सा होगा ऑप्शन बी कंपोजिशन ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हाँ तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 21। थ्री पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांच आर कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सप्लाई, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ब्रांच करंट। हम लोग को I1 रेज टू, I2 रेज टू, I3 निकालना है, जबकि हम लोग को R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 कितना दे रहा है 2, 4, 6 इतना दिया हुआ है हम लोग को। I2, I1, I2, I3 निकालना, तो क्या बोले थे, क्या हो जाता है इनवर्सली हो जाता है, हाँ उल्टा हो जाता है ना, तो इसको क्या कीजिएगा, देखिए शॉर्टकट बता दे रहे हैं, R1 is to R2 is to R3 है, तो इसको कैसे लिखा है 2, 4, 6, तो इसको इन्वर्स करना है, तो इसका क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो सबको 12 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो आपका कितना I1 is to I2 is to I3 कितना आ जाएगा 6:3:2, तो आपका कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सी सही होगा। हाँ तो देखिए समझ में आ गया होगा, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बोला है, इन द गिवन फिगर बिलो द रजिस्टर R3 बिकम्स ओपन सर्किट, जो रजिस्टर R3 दिख रहा ना वो अगर ओपन हो जाएगा तो उसका वोल्ट मीटर रीड कितना करेगा, जितना यहां वोल्टेज वही रीड करेगा, तो कितना रीड करेगा वो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर रीड करेगा 2, कितना है 250 वोल्ट है, ऑप्शन ऑप्शन डी 250 वोल्ट रीड करेगा। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तो हम लोग क्वेश्चन 23 देखते हैं, हाँ 23 देखते हैं क्या बोला, थ्री रजिस्टर ईच ऑफ आर कनेक्टेड इन ट्राइंगल, सब आर है ट्राइंगल में कनेक्ट हो गया। अब पूछा द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल, बिटवीन एनी टू टर्मिनल कोई भी टू, यहां मन किया तो यहां ले लीजिए, मन किया कहीं भी ले लीजिए, लेकिन टू टर्मिनल लेना है। अब आर इक्विवेलेंट पूछा, हाँ आर इक्विवेलेंट यहां कितना होगा, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों कहां हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, तो सीरीज में हो गया तो ये कहां हो जाएगा 2R हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में हो गया तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2R पैरेलल R। अब इसको सोल्व कीजिए 2R इनटू R डिवाइड बाय 3R, R R कट गया तो 2/3R ऑप्शन है 2/3R ऑप्शन डी सही होगा। हाँ अब देखिए क्वेश्चन 24 देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइज, क्यों राइज होता है जब कोलिजन करता है किसके बीच में, कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड एटम के बीच में। हाँ आपका ऑप्शन सी सही होगा। हाँ आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्या बोला है, 25 बोला है द एडवांटेज ऑफ द आयरन निकेल बैटरी ओवर द लेड एसिड बैटरी, यानी निकेल बैटरी और लेड एसिड बैटरी के बीच का एडवांटेज का ऑप्शन पूछा। हाँ तो ऑप्शन ए 25 का ऑप्शन ए में देखिए क्या बोला है, ऑप्शन ए में बोला है कहा द सेल वोल्टेज ऑफ द आयरन निकेल बैटरी इज हाइयर, नहीं आयरन का नहीं होता, लेड का होता है, लेड का कितना होता है, लेड का 2 होता है। हाँ और इसका क्या बोलते हैं निकेल का 1.2 होता है, तो पहला तो एकदम गलत है, दूसरा इट मच हाइयर, नहीं बी लेड का क्या होता है, लेड का होता है एच में की एफिशिएंसी क्या होता है 80 से 90%, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है 75 से 80%। हाँ तो ये भी गलत बोल दिया है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी देखिए सही बोला है, ऑप्शन सी में क्या है इट नीड लेस मेंटेनेंस। हाँ
तो आपको ये आयरन निकल बैटरी में क्या लेस मेंटेनेंस लगता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। हाँ तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को देखते जाइए धीरे धीरे, और जो आप नए मतलब नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं उनको क्वेश्चन को बनाइए और देखिए क्या हम लोग गलती कर रहे हैं या कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपको दीपावली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, कल दीपावली है तो कल वीडियो नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, सीधे 6 तारीख को वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।